नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। स्वास्थ्य सहिया के चयन को लेकर सोमवार को ग्यारकुन प्रखंड के शिबलीबाड़ी उत्तर पंचायत के पंचायत सचिवालय ने दर्जनों महिलाएं, स्वास्थ्य कर्मी और नव निर्वाचित प्रतिनिधियों की उपस्थिति मुखिया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। सहिया चयन की प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी, पूर्व सहिया और ग्रामवासियों द्वारा किया गया। स्वास्थ्य पदाधिकारी सुरेश प्रसाद ने बताया कि शिबलीबाड़ी उत्तर पंचायत के संजय नगर, अली मोहल्ला और अंसार मोहल्ले में 3 सहिया का चयन करना है। उसी के आलोक में ग्रामीणों के समक्ष आम सभा के माध्यम से सहिया चयन की प्रक्रिया की गई है। चयन प्रक्रिया उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब संजय नगर की सहिया आवेदिका गौरी पंडित ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पर पैसे लेकर चयन का आरोप लगाया। कहा कि योग्यता के आधार पर नहीं, पैसे के आधार पर सहिया का चयन हो रहा है। पूर्व में भी हमने इसी पद के लिए आवेदन किया था, परंतु पिछली बार भी हमारा चयन नहीं हो पाया और इस बार चयन प्रक्रिया में पैसों का खेल चला है, जिसके कारण इस बार भी मुझे वंचित रहना पड़ा है। शिबलीबाड़ी उत्तर पंचायत की मुखिया मलका मेहर निगर ने बताया कि पिछले 7 वर्षों से शिबलीबाड़ी उत्तर पंचायत के संजय नगर, अंसार मोहल्ला और अली मोहल्ला में सहिया का पद रिक्त था, जिसे लेकर आज पंचायत सचिवालय में आम सभा के माध्यम से सहिया का चयन योग्यता के आधार पर किया गया है, जिसमें संजय नगर से आरती कुमारी, अली मोहल्ला से रुखसाना खातून और अंसार मोहल्ला से शहजादी खातून को चयन किया गया है। अगर किसी आवेदक द्वारा पैसे लेकर चयन का आरोप लगाया जा रहा है तो वह निराधार है। वही पंचायत सचिवालय में शिबलीबाड़ी उत्तर पंचायत के वार्ड सदस्य रवि साव ग्रामीणों से नोक झोंक करते दिखे। बहुत दिक्कत है, चलते कुछ नहीं अब होने दे रहे। जो अगला बार भी आए तो उसी लोग पैसा खा गया सब और उसका कर दिया। इस बार भी ऐसे कर एक रहे हम आवेदन किए थे, सब कुछ तो किए थे, अगले बार भी सेकंड में मेरा रखा था, सब कुछ रखा सेकंड में। लेकिन इस बार देखिए कैसे कर रहा, हर बार ऐसे ही करता है। किस पद के लिए आपने आवेदन किया था? सहिया पद के लिए। हर बार ऐसे ही करता है। जब देखो इसमें विकलांग का ज्यादा जरूरी है, जिसको ज्यादा जरूरी है काम का उसके लिए जाता है। योग्यता के आधार पर यहाँ चयन नहीं किया जा रहा? नहीं नहीं, एकदम नहीं किया जा रहा। हमेशा जब देखो तो वही शिक्षा के अधिकार पर आता है। सहिया का चुनाव हो रहा है शिबलीबाड़ी उत्तर पंचायत में, उसमें अंसार मोहल्ला, अली मोहल्ला और संजय नगर 3 आंगनबाड़ी क्षेत्र में पूर्व से सहिया नहीं थी, उसी का चुनाव हो रहा है। और इसमें चुनाव की प्रक्रिया यह है कि सबसे पहले योग्यता आज के डेट में है कि योग्यता होनी चाहिए उसका। ऐसे प्राथमिकता के तौर पर हम देखते हैं तो अगर वो कैंडिडेट विकलांग हो या वीडो हो तो उनको प्राथमिकता के आधार पर हम तय करते हैं, और उसके बावजूद क्वालिफिकेशन ज़्यादा महत्व नहीं रखता। इसलिए लगता है कि क्वालिफिकेशन महत्व रखने से क्या होता है ना कि ये हमारा जो काम है ये स्वास्थ्य की अंतिम, स्वास्थ्य का जो सेवा देना है ये समुदाय के अंतिम व्यक्ति तक देना है, और ऐसे लोग हम लोग चयन कर लेंगे। ये ग्रामीणों ने जो चयन करके दिया है वो ऐसे लोगों को चयन करके दिया है कि ताकि स्वास्थ्य सुविधा गाँव के अंतिम लोगों तक हम पहुँचा सके। वैसे महिलाओं को हम लेते हैं, वैसे बहू को लेते हैं, और इसी प्रकार से ये चयन होता है। इसमें हंगामे की भेंट इसलिए चढ़ी है कि एक कैंडिडेट थी जिनके पति विकलांग है, और पता चला कि दो का पति विकलांग है और एक का योग्यता अधिक था, इसलिए योग्यताधारी जो अधिक था उनको चयन किया गया और उनसे पूछा गया क्या आप काम करने के लिए लायबल है, कर सकती हैं, तो उनको लगा कि कर सकती हैं, और ग्रामीणों को भी कहना है कि ये कार्य कर सकती है सही ढंग से। इसलिए पिछले 7 वर्षों से हमारे संजय नगर और अली मोहल्ला और अंसार मोहल्ला में नहीं थी, जिसके कारण इन क्षेत्रों के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और अली मोहल्ला से रुखसाना खातून को चुना गया है और अंसार मोहल्ला से शहजादी खातून को चुना गया है और संजय नगर से आरती कुमारी को चुना गया है। ये हंगामा इस विषय पे हुआ कि इसमें 5 कैंडिडेट था जिसमें 3 का विकलांग, उनके पति, उनका कहना था कि मेरे पति के वो विकलांग थे, उनका एक का पति विकलांग था, बाकी 2 का कुछ दिमागी हालत खराब थी। ये आप पता कर सकते हैं ग्रामीणों से, और वहाँ की सेविका है, वहाँ के वार्ड है, उनसे पता कर सकते हैं कि ये क्या किस विषय पढ़ाई के ऊपर किए हैं इसको।